हेलो फ्रेंड्स, मैरी क्रिसमस टू ऑल। आज हम बनाएंगे इस हॉलिडे सीजन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट, डिलीशियस एंड मोइस्ट होल व्हीट बनाना केक, जो कि मेरी फैमिली का फेवरेट डेजर्ट है। इसमें हम मैदे का यूज़ नहीं करेंगे और इसे हम एगलेस बनाएंगे और बिना ओवन के बनाएंगे, और ये बनाने में बहुत ही आसान है। तो रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलकर बनाते हैं ये बनाना केक। बनाना केक बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम इस तरह का कोई स्टैंड रख देंगे, ये नहीं हो तो कोई कटोरी रख देंगे, और लिड लगाकर इसे हम लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने देंगे। आइए तब तक बाकी की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने केक टिन लिया है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे चारों ओर। अब हम एक बटर पेपर लेंगे और इसे इस तरह से रख देंगे, इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे। तैयार है केक टिन, इसे अभी साइड में रख देते हैं। मैंने यह बाउल लिया है, इसमें हम एक स्ट्रेनर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। अगर आपको केक मैदे का बनाना है तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। तो इन्हें हमें छानना है। छानने से केक में एरेशन आती है और केक फ्लफी बनता है। तो ये तैयार है, इसे अभी साइड में रख देती हूँ। नेक्स्ट हम मिक्सर जार लेंगे। यहाँ मैंने मीडियम साइज के 2 बनाना लिए हैं। तो बनाना हमारे इस तरह से थोड़े से पके हुए होने चाहिए। इन्हें हम इस तरह से कट करते हुए जार में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप पीसी हुई शक्कर। तो आप बिना पीसी हुई शक्कर यूज़ कर रहे हैं तो आप शक्कर को हल्का सा पीस लें, उसके बाद बनाना और ऑयल ऐड करें और फिर ग्राइंड करें। तो अब इसमें जाएगा 1/4 कप बिना फ्लेवर का ऑयल। आप इसकी जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी को हम हल्का सा ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए, वेट इंग्रेडिएंट्स हमारे तैयार है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस, इसे हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। तो इन्हें हम एक बार और सीव कर लेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें 1/2 कप दूध ऐड करेंगे। तो बैचेस में हम दूध को ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी, हमें बहुत ज़्यादा पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर नहीं चाहिए। बनाना केक में हल्का सा थिक कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट, अखरोट, काजू और बादाम डाल रही हूँ। आपको जो पसंद हो वो ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़े से चोको चिप्स, इन्हें हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर, इसकी जगह आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेकिंग पाउडर और सोडा के साथ रिएक्ट करता है और केक को हमारा स्पंजी बनाता है। हल्का सा ही इन्हें मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं मिक्स करना है। इसे हम केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब केक टिन को 2 से 3 बार इस तरह से टैप करेंगे। अब ऊपर से आपको जो पसंद हो वो आप इसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ चोको चिप्स, बादाम, काजू से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये देखिए तैयार है, रख देते हैं इसे प्री हीटेड कढ़ाई में। इसे हम 50 से 55 मिनट तक लो फ्लेम पर बेक होने देंगे। और आप अगर इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री पर ओवन को प्रीहीट कर लीजिए, फिर 180 डिग्री पर 40 से 45 मिनट केक को बेक कर लीजिए। केक को बेक होते हुए 55 मिनट हो चुके हैं, लिड हटा देंगे और अब टूथपिक या नाइफ से इसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम क्लीन है, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो गया है। इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे डिमोल्ड करेंगे। तो केक को हम इस तरह से चारों ओर नाइफ से इस तरह से कर लेंगे और एक प्लेट के ऊपर इस तरह से करते हुए केक को डिमोल्ड कर लेंगे। ये बटर पेपर को हम हटा देंगे। तो ये देखिए नीचे से भी बहुत ही बढ़िया सिका है और ऊपर से भी बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसका जो टेक्सचर है वो एकदम परफेक्ट आया है।
बहुत ही ब्यूटीफुल ये बनाना केक लग रहा है। और ये देखिए बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार हुआ है और खाने में तो ये बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है। तो इसे एक बार घर पे बना के ज़रूर ट्राई करें और आप मुझे फीडबैक के द्वारा बताएं आपको ये बनाना केक की रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अच्छा खाइए, खुश रहिए, नमस्कार और सभी को मैरी क्रिसमस।